गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी स्पिरिचुअल परिवार भाई बहनों, आपके अंतर में विराजमान वो परमात्मा की शक्ति, भगवान की शक्ति, ईश्वर की शक्ति, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी, रूहानियत का सफर शुरू करते हैं, चलते हैं, कभी पीछे की ओर आ जाते हैं, कहीं दाएं बाएं भटक जाते हैं, कहीं आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत से लोगों के साथ ऐसा अनुभव होता है कि उनको लगता है कि ध्यान सच में हो रहा है, हमारे मन के विचार हैं, हमारी कल्पना है। कभी कभी जब ध्यान करते हैं, उस प्रभु के चरणों में जाने की कोशिश करते हैं, ध्यान किसी और देवता का कर रहे थे, कर किसी और का जाते हैं, हो किसी और का जाता है, इससे फिर परेशान हो जाते हैं। कभी बैठे ध्यान में पूर्ण तन्मयता के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पर मन कहीं और चला गया, मन आपकी जॉब पे चला गया, मन कारोबार पे चला गया, मन स्टडी पे चला गया, स्टडी करने बैठे तो मन कहीं और चला गया। इसके लिए आप सभी जानते हैं, जब तक उस प्रैक्टिस को बार बार नहीं करेंगे और जब तक हम उस प्रैक्टिस को मन वचन कर्म भाव से नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। सबसे सिंपल, सबसे सरल उपाय है, आप जॉब पे हो, अपनी नौकरी पे हो, तो पूरी जी जान से जॉब पर होएं। आपको इतना आनंद आएगा, आपको लगेगा कि आज तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज मैंने सच में भगवान की सेवा की है, अपने गुरुदेव की सेवा की है। आप बेटा स्टडी करते हो तो पूरी जी जान से स्टडी करें, पूरा वहीं के वहीं होए। आप भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो पूरे मन के साथ खाना खाएं, आप और खाना, बस माँ, आप और माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। किसी से बात कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से, चाहे 20 मिनट की जगह 2 मिनट बात करें, पर पूरे मन के साथ। कोई आपको सुनाना चाहता है, पूरे मन के साथ सुने और पूरे मन के साथ सुनाएं। जैसे पहले भी कितनी बार ये चर्चा हुई है कि आप प्रेजेंट में ही रहने की कोशिश करें, प्रेजेंट ही आपका है, ना तो फ्यूचर आपका है ना पास्ट आपका है। और ये नियम सभी जगह पे लागू होता है, ऐसा नहीं है कि ये भक्ति में ही लागू होता है। तो जैसे जैसे आपको
प्रेजेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी, तैसे तैसे आप एक बहुत अच्छे ध्यानिष्ठ व्यक्ति हो जाएंगे। और जो आपको संकल्प के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आप सच में अपने भाग्य के विधाता स्वयं हो, खुद हो। आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, आपके संकल्प शुभ हो। आपके लिए कितना भी ऊंचा जाना है उसकी वो अनलिमिटेड है, पर दूसरों को डाउन करना वो आपकी संकल्प शक्ति को बहुत डाउन कर देता है। आप जब संकल्प करते हैं तो आपको कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं। मान लीजिए आपके 60% मार्क्स आए, आपने कहा मुझे 95% आने चाहिए। आपको आपका कॉन्शियस माइंड, आपके तर्क वितर्क, आपके दोस्त मित्रों के तर्क वितर्क रोकते हैं कि कैसे हो पाएगा। पर जिस दिन बेटा आप प्रेजेंट में संकल्प शुरू कर देंगे और जी जान से, जैसे कहा, जी जान से प्रेजेंट में स्टडी शुरू कर देंगे, आपको कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है 95 लाने से भी, और 95 से 100 लाने से भी कोई रोक नहीं सकता है। ये मैं आपको अपना अनुभव कहता हूं। पर आपको पूर्ण रूप से सरेंडर होना पड़ेगा और आपने बिजनेस में कोई संकल्प लिया कि मुझे अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन इतनी करनी है, ऐसी स्थिति में जाना है, आपने कोई ऐसा निश्चय किया कि मुझे इस कंपटीशन में बहुत आगे बढ़ना है, जीतना है कंपटीशन को, चाहे आप संगीत में हो, चाहे आप डांस में हो, चाहे आप म्यूजिक में हो, किसी भी, चाहे आप कोई जॉब की कंपटीशन में हो, चाहे कोई और बड़ा कंपटीशन है उस पे हो, आपका आप मेडिकल में एडमिशन लेने वाले हो, तो आपकी एनर्जी कभी कभी बिगड़ जाती है। आपको लगता है मैं कैसे कर पाऊंगा, आपको लगता है कि मुझे तो किसी ज्योतिषी जी ने कहा था कि ये नहीं हो सकता, आपको लगता है मेरे फादर ने भी कहा था, पिताजी ने भी कहा था, डैड कह रहे थे नहीं बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाएगा तू, घर में तो किया ही नहीं आज तक किसी ने, आपके दोस्त मित्र भी कहेंगे कैसे कर पाएगा तू, और कभी कभी कोई भी नहीं कहता तो हम मन में एक ऐसी एनर्जी का मैसेज रिसीव करते हैं। कभी कभी तो हमारी अंतर की भेजी हुई एनर्जी ही हमें वापस आती है, लगभग वो ही वापस आती है। मैंने आपके लिए कुछ गलत सोचा, ब्रह्मांड में गया फिर वापस आया, कभी कभी मल्टी टाइम होके वापस आता है, फिर किया फिर आया, फिर किया फिर आया। आप कहते हैं मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा, किसी को नेगेटिव एनर्जी दी ही नहीं, अभी नहीं दी होगी, लास्ट मंथ दी होगी, लास्ट ईयर दी होगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने इस एनर्जी का निर्माण किया हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी आप बिना बिठाए परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बिना बैठे बैठे किसी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी आने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही किसी के भी प्रति ऐसे बिना कारण से नेगेटिव थॉट्स आने लगें, अपनी फ्रीक्वेंसी को उसी वक्त चेंज कर देना, नहीं तो आपके जो कार्मिक अकाउंट हैं वो बहुत और नेगेटिव हो जाएंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आपने उस एनर्जी को पॉजिटिव करना शुरू किया और आपकी किस्मत, आपके कर्म बदलने शुरू हो गए। आपने अपने कर्म से
उस एनर्जी को चेंज कर दिया। कभी कभी बिना वजह से गुस्सा कर देते हो, कहते मैंने तो गुस्सा किया नहीं था, गुस्सा आ गया। सभी ऐसे ही कहते, और कहां से आ गया, कहीं हमारे में जमा बैठा था अंदर ना, वैसे तो नहीं आता है। तो आप अपने एनर्जी को और इस जन्म के कर्म को पूर्ण रूप से ठीक करें, और जैसे जैसे आप सब लोगों के बारे अच्छा सोचेंगे, प्रेम भाव से सोचेंगे, उनकी शांति से सोचेंगे, उनके लिए अच्छी प्रार्थना करेंगे, उनके लिए प्यार की भावना होंगी, उनके लिए शुक्रिया की भावना होगी, उनके लिए ब्लेसिंग की भावना होगी, तो आप देखेंगे कि आप डे बाय डे चेंज हो रहे हो। और ये सभी छोटी छोटी चीज़ें आपके संकल्प को मजबूत करने के लिए बहुत शक्ति देती हैं। जैसे अभी मकर संक्रांति गई, नवरात्रि से त्यौहार चल रहे थे, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, अभी मकर संक्रांति, लाभ पंचमी, इसमें हम सभी ने बहुत प्रार्थना की, बहुत पूजा पाठ किए, लगभग सभी ने किए, किसी ने कम किए होंगे, किसी ने ज़्यादा किए होंगे, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। नवरात्रि में नौ नौ दिन जल पी के, दूध पी के कई लोगों ने नवरात्रि की पूजा की, कईयों ने फ्रूट खा के ही की, जैसी जैसी स्थिति हुई। पर क्या इससे हम पूर्ण हो गए, क्या हमारी ड्यूटी पूरी हो गई? आपने एक बीज बो दिया, क्या बीज बो देना काफी है? जब बीज अंकुरित हो जाएगा उसका ध्यान नहीं रखना है, और बड़ा पौधा बन जाएगा उसका ध्यान नहीं रखना है, उसके लिए आपको उसकी सिंचाई की जरूरत है, उसको खाद देने की जरूरत है, और उसके घास फूस, उसकी प्रोग्रेस को रोकना दें, उसको उनको क्लीन करने की जरूरत है, भूमि को जमीन करने की, भूमि को क्लीन करने की जरूरत है। उसकी क्लीनिंग के लिए क्या चाहिए आपको, क्योंकि आपने संकल्प भी किया है साथ में, जो चीजें कही हैं उनको करना। किसी का बुरा नहीं सोचना, निंदा नहीं करना, निंदा नहीं सुनना, जलसी नहीं करना, और अपने संकल्प को देखना, कोई आपके लिए क्या कह रहा है परवाह नहीं करना, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, कि नहीं बनती है तो ऐसे दूर से नमस्ते कर देना, पर बुरी भावना अंदर से नहीं रखना। आप देखेंगे कि कैसे 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 आप आगे बढ़ते हो, कैसे कैसे आपके संकल्प पूरे होते हैं, कैसे कैसे आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। और ध्यान के लिए आप कंफ्यूज ना हो, आप एक इष्ट और एक ही गुरुदेव रखें अपने। अब जब आप बार बार अपने इष्ट चेंज करते हो, बात नहीं बनती है, आपको खुद कहीं कंफ्यूजन होती हो, तो अपने गुरु से जरूर हेल्प लें कि मेरे इष्ट क्या हैं, मैं किन की पूजा करूं। जब हम एक इष्ट की पूजा करते हैं तो हमारे ग्रह दोष, हमारे वास्तु दोष, हमारे पास्ट कर्म के दोष, सब के सब दोष जो हैं नष्ट हो जाते हैं। एक इष्ट को समर्पित हुएं, बाकी सब भगवान की स्तुति करें, सब मंदिरों में जाएं, सभी की सेवा करें, पर इष्ट एक रखें, गुरुदेव एक रखें, इससे आप पे ज्यादा कृपा होगी, आप ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे, जहां आपकी श्रद्धा बने, जहां विश्वास बने। कभी कभी पास्ट लाइफ में जो हमारे इष्ट थे
जैसे हम भक्ति करने लगते हैं इसमें फिर कनेक्शन हो जाता है। तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसका भाव कि आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो भक्ति मार्ग में। अभी हम क्लीनिंग करने की कोशिश करेंगे। विरेचन क्रिया ध्यान की जो है परम आवश्यकता है, इसको रोज करना चाहिए, क्योंकि गंदगी आ ही जाती है, कुछ भी करें गंदगी आ जाती है। घर को कितना भी क्लीन रखेंगे आप, तीन दिन बाद देखेंगे फिर डस्ट आ जाएगी। जहां तो कम डस्ट होती है फिर भी देखते हैं कि डस्ट आ ही जाती है। तो ऐसे ही हमारा मन, हमारा शरीर को तो आप रोज क्लीन करते हो, और माइंड मन को भी क्लीन करना है। मन के साथ सोल अपने आप क्लीन हो जाएगी। जब मन बॉडी सोल क्लीन होंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, विद्युत शरीर, सभी शरीर क्लीन होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे वो शरीर मजबूत होंगे तैसे तैसे आपकी शक्ति ताकतवर होगी, आपकी शक्ति और शक्ति वाली होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा, आप बीमारियों से बच पाएंगे, नेगेटिव एनर्जी से बच पाएंगे, नेगेटिव विचारों से बच पाएंगे। ये सब अपने आप होने लगेगा, आपको स्पेशल कुछ करना नहीं है। आप लोग पूछते हो कभी कभी, और आजकल तो ऐसा आता भी है बहुत, आप सूक्ष्म शरीर को कैसे ठीक करें, पहले चक्रा को कैसे ठीक करें, दूसरे को कैसे ठीक करें, तीसरे को कैसे ठीक करें, ऐसे नहीं होगा। हाँ, जो चक्रा ज्यादा कमजोर है उसके ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना है। हमें एक ही गुरु मंत्र से उसको ठीक, सभी चक्रा को ठीक करने की कोशिश करनी है। तो हम वम रूम मंत्र से विरेचन क्रिया करेंगे, मन में भाव लाएंगे कि हमारे 7 चक्रा क्लीन हो रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हम भगवान के चरणों में जाने के लिए हमें पात्रता मिल रही है। वम रोम 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 वम रोम। मंत्र का मन में जाप करें, धीरे धीरे जाप करें, और अपने इष्ट का ध्यान करें। पूरी शक्ति के साथ अंतर में जाप करें।
आप अपने गंदे विचारों से मुक्त हो रहे हैं, गलत फीलिंग से मुक्त हो रहे हैं। जो विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उनसे क्लीन हो रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से क्लीन हो रहे हैं। दूसरों के बारे में नकारात्मक भावना रखते हैं उससे क्लीन हो रहे हैं। कभी किसी के साथ मुझसे गलत हो गया, उसके लिए क्षमा मांग रहा हूं, उससे क्लीन हो रहे हैं। मेरे साथ किसी ने गलत कर दिया, मन में एक भावना बनाए रखता हूं, कोई गांठ है, उससे क्लीन हो रहा हूं, माफी मांग रहा हूं। परिवार में माता से, पिता से, पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बहन से, दोस्त से, मित्र से, ग्राहक से, वर्कर से किसी के साथ भी कोई ऐसी गलत भावना है, उससे क्लीन हो रहा हूं। आपने गंदगी का बोझ बहुत उठा रखा है, इसलिए जैसे आपका फोन है, फोन में इतनी उलझुल चीजें भर जाती हैं, फोन की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब आप क्लीन करते हो तो आपको लगता है इसकी भी जरूरत नहीं। इसी तरह से मैं अपनी सभी नकारात्मक शक्तियों को क्लीन कर रहा हूं। हे मां, सभी को अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से क्लीन कर दो महारानी। हे भगवान, हे गुरुदेव, सभी अपने अपने मार्ग में आगे बढ़े, उनके जो रास्तों के विरोध हैं उनको क्लीन कर दो। जो भी जिसका गोल है, जो भी जिसका संकल्प है, उसमें कोई बाधा आ रही है तो भगवान उनको क्लीन कर दो महारानी। आज से सबके लिए प्यार ही प्यार हो, सबके लिए दुआएं ही दुआएं हो, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो। खुशियां ही खुशियां हो सबके लिए। आज से मेरी नई लाइफ शुरू होती है, आज से, अभी से, इसी क्षण इस नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जो गंदगी थी, ईर्ष्या थी, द्वंद था, द्वेष था, वो बस पास्ट में था, प्रेजेंट तो मेरा है। बहुत छोटी जिंदगी है, क्षमा मांग के, क्षमा करके आगे निकल जाएं। अपने संकल्प को देखें, अपने गोल को देखें, अपनी जिंदगी को देखें। आध्यात्मिकता में भी आपको पूर्ण होना है और भौतिकता में भी पूर्ण होना है, मगर ध्यान रहे, इसकी चकाचौंध में इतना खो मत जाना कि अपने आप को ही भूल जाओ, अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ। आपका अस्तित्व उसके साथ जुड़ा है। जब अपने आप को भूलते हो तो उसको भी भूल जाते हो, फिर जब कनेक्शन टूट जाता है तो इतने नीचे गिरते हो, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। अभी क्लीन हो गए, अभी हसा का लहरीम का जाप करें, हसा का लहरीम, हसा का लहरीम, हसा का लहरीम,
ये मंत्र सामूहिक रूप के लिए है, जिन लोगों के पास उनके गुरु जी का दिया हुआ मंत्र है उसी गुरु मंत्र का जाप करें, वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि वो मंत्र आपको गुरुदेव ने अकेले में दिया है। वो गुरु मंत्र आपके माथे को, आपके आज्ञा चक्र को स्पर्श करके दिया है। वो आपकी शक्ति को एक्टिवेट करके दिया है। हसकल हरीम। मन में मंत्र का ध्यान करें, मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। मन में जाप करें हसकल हरीम। हसकल हरीम। हसकल हरीम। हसकल हरीम। अपने इष्ट का ध्यान करते करते आँख नहीं खोलेंगे, गहरी सांस लें, सांस बाहर निकालें, फिर गहरी सांस लें, सांस को रोकें, सांस बाहर निकालें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी देर रोक सकते हो रोकने की कोशिश करें। जितनी देर आप रोक पाएंगे उतनी ही आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, आपका संकल्प पूरा करने में
पूरी प्राण की शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे आपके इष्ट देव की शक्ति आपके साथ हो जाएगी। सांस अंदर लें, सांस बाहर निकाल लें, ऐसा 20 टाइम 30 टाइम करना चाहिए। पूर्ण रूप से अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाएं। कोई मंत्रा की जरूरत नहीं, होता तो होने देना, नहीं होता नहीं होने देना, पर आप उनके चरणों में चले जाएं, उनकी गोदी में बैठ जाएं, उनका हाथ अपने सिर पर महसूस करें, उनकी कृपा महसूस करें। माँ दयालु है, कृपालु है, बहुत कृपा कर रही है। माँ भगवान जो भी चाहिए आपको दे रहे हैं। आप ऐसी शक्ति के पुत्र हैं, आप खाली रह ही नहीं सकते। आपके ऊपर बहुत कृपा हो रही है, सब कुछ मिल रहा है आपको। अपने इष्ट को, माँ भगवती को अपना दुख सुख कहें, अपनी कथा व्यथा कहें उनको। वो तो जानती हैं, कह देंगे तो आपको लगेगा कितने बड़े बड़ी शक्ति ने मेरी बात सुन ली। कहीं कोई काम हो, कहीं हॉस्पिटल में जाएं, डॉक्टर अच्छी तरह बुला के पूछ ले तो हमें कितनी शांति मिल जाती है। इसी तरह से जब उस शक्ति के साथ आप एक हो गए, उसने आपकी बात सुन ली, उसने आपके मन को जान लिया, गुरुदेव ने आपके मन को जान लिया, तो क्या बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। माँ की कृपा हो गई, इष्ट देव की कृपा हो गई। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि माँ मैं इतनी शक्ति का बेटा हूं, मैं राजेश्वरी का बेटा हूं, मैं माँ भगवती का बेटा हूं, मैं भगवान का बेटा हूं, मैं उस ब्रह्मांड की शक्ति का बच्चा हूं। सभी उसी के हैं, पर जिस दिन याद आ जाता है ना,
पता चल जाता है, उस दिन बात दूसरी हो जाती है। जैसे कितनी कहानियां आती हैं, कोई व्यक्ति बहुत गरीबी में रहा, घर से खो गया बच्चा, जिस दिन पता चला कि वो इतनी बड़ी फैमिली का बच्चा है, उसका सब कुछ बदल गया, उसको होश आ गया। हम तो उस माँ के बच्चे हैं, हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। हे माँ, आप मेरे साथ हो माँ सरस्वती, तो मेरी वाणी से कुछ गलत निकल ही नहीं सकता। माँ, मैं कुछ भी कहूंगा उसमें आपकी बात होगी, आपकी शक्ति होगी। माँ, मैं अपशब्दों से किसी को परेशान नहीं कर सकता। माँ, मेरे शब्दों में वो शक्ति चाहिए जिसको सुनकर लोगों को साहस मिले, शांति मिले। मैं शांतिमय हूँ, शांतिमय हूँ, शांतिमय हूँ, शांतिमय हूँ। मेरे पास माँ आपका दिया सब कुछ है। माँ, हे अन्नपूर्णा माँ, आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा है माँ, कृपा है, कृपा है माँ भगवती। आपने मेरे संकल्प, मेरे गोल पूरे कर दिए माँ। आपने नई जिंदगी दे दी माँ। मैं नया व्यक्ति हो गया माँ। पूरे मन के साथ, वचन कर्म भाव से, पूरी फीलिंग के साथ अपने संकल्प को दोहराएं, बार बार दोहराएं, बार बार दोहराएं। माँ ने वो संकल्प प्रेजेंट में पूरा कर दिया, आपका सच में पूरा कर दिया। और महसूस करें, और महसूस करें, और महसूस करें, और महसूस करें, और महसूस करें। माँ की कृपा हो गई, उसकी कृपा हो गई, माँ की हो गई कृपा। माँ तू कितनी दयालु है, कृपालु है माँ। जैसे मुझ पे कृपा करती है माँ, ऐसे सभी पे कृपा करना, सभी को अपने चरणों में लगाना माँ, सभी को क्षमा करना। आज से हमारी नई लाइफ, नई जिंदगी शुरू होती है। माँ का धन्यवाद करें, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का धन्यवाद करें और मयूर पंख मुद्रा करें। इसको 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए करने की कोशिश करें। हाथों को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के से, जैसे मोर का पंख रखें आँखों में, जैसा बोझ पड़े आँख पे ऐसा ही करना। धीरे धीरे कैंसिल करेंगे, अपनी आँख खोलेंगे, हाथ को देखेंगे, ऐसे करेंगे और गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजलि मुद्रा करें ऐसे। गुरुदेव, माता रानी, भगवान ईश्वर, आप पे कृपा करें, आप भक्ति में आगे बढ़ें, भौतिकता में आगे बढ़ें, आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों। फिर आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी।